स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर में बने बरगी बांध से विस्थापित किए गए सिलुवा गांव के लोगों को एक बार फिर विस्थापित किए जाने और उनकी जमीन छीने जाने का डर सता रहा है, क्योंकि सिलुवा गांव से लगाकर बड़ा देव परियोजना के तहत एक बांध बनाया जाना है, जिसको लेकर सैकड़ों आदिवासी इस समय मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। वह मानसिक रूप से प्रताड़ना से जूझ रहे हैं और लगातार बांध का विरोध जता रहे हैं। इसकी जानकारी जब जबलपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लगी तो वह अपने काफिले के साथ उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर पीड़ित आदिवासियों के गांव सिलुवा जा पहुंचे, जहां पर सैकड़ों आदिवासियों ने बरगी के पूर्व विधायक संजय यादव सहित उमंग सिंघार को अपनी परेशानी बताई, जिस पर उमर सिंघार ने सभी आदिवासियों को आश्वासन दिया कि वे इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाने के साथ ही मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। इधर बरगी विधानसभा के ग्राम सिलुवा पहुंचे उमंग सिंघार और स्थानीय ग्रामीण आदिवासी महिलाओं, जिस प्रकार इस गांव के अंदर आप देख रहे हैं सिलुवा घाटी गांव में बोले वाले आदिवासियों की जमीनों को किस प्रकार से गुमराह करके सरकार यहां पे एक विस्थापित करके डैम बनाना चाहती है, और जिसे हमारे पूर्व विधायक हमारे संजय भाई ने बताया कि यहाँ पर जब NVDA से पाइपलाइन बरगी बांध जब 15 किलोमीटर पे है तो यहाँ जब 600 करोड़ की योजना बन सकी और उसमें पानी आ जाता, 115 गांव को पानी मिलता, तो क्या आवश्यकता थी कि 1400 करोड़ की योजना आप बना रहे हैं इरीगेशन डैम और यहाँ के आदिवासियों को आप डुबाना चाह रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि सीधा सीधा सरकार का महा घोटाला है, और जो 600 करोड़ में काम हो रहा है इसकी सामने रिपोर्ट्स है, वही चीज़ 1400 करोड़ में, तो ये आवश्यकता क्यों है? और आप उन आदिवासियों को उजाड़ना चाहते हो जो इतने सालों से यहाँ रहना चाह रहे, तो मोहन यादव सरकार आदिवासियों के खिलाफ है, और मैं यही कहूँगा कि तत्काल इस परियोजना पर रोक लगना चाहिए। अगर आप इनको खेतों को आदिवासियों खेतों को पानी देना चाहते तो 600 करोड़ के अंदर आप करें काम, ना कि 1400 करोड़ रुपए। मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे घोटाला, 600 करोड़ किन अधिकारियों के पेट में किसने प्लान करा, कौन इसके पीछे साजिश करता है, इस पर भी जांच होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात को उठाएगी। अधिकारियों से भी आपकी बात, ग्राम पंचायत के माध्यम से क्या सलाह दी आपने? बगैर किसी ग्राम सभा के कोई भी चीज़ विकास की नहीं हो सकती, ये अधिकार है उन ग्राम सभा को। तो मैंने यही गांव के लोगों को प्रेरित कहा कि आपकी पंचायत के अंदर अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि यहाँ पर डैम बने तो आप लोग सब यहाँ पर इसके बारे में प्रस्ताव पास करें ताकि उस पर हम लोग संज्ञान ले सकें। देखिए आप बिल्कुल आदिवासियों के अगर डूब की स्थिति बनती है तो हम बिल्कुल इसका आवाज़ को उठाएंगे, और महत्वपूर्ण है कि ये योजना जब 600 करोड़ में हो सकती है तो 1400 करोड़ में क्यों? इसका मतलब सीधे है कि ये योजना के पीछे एक बड़ा भ्रष्टाचार की तैयारी है, बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का है, इसको हम लोग रोकेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, धन्यवाद। जिस प्रकार से आपके अधिकारियों ने बताया है कि एक विभाग का कहना है कि 600 करोड़ में, एक विभाग का कहना 1400 करोड़ में, एक विभाग कहता है कि यहाँ पे कोई गांव नहीं डूबेगा, एक विभाग कहता है कि बोले यहाँ पे 4 गांव डूबेंगे, तो ये योजनाओं में आप देख सकते हैं कि जो भोपाल में बैठे अधिकारी वो कैसे बैठ के इन आदिवासियों के नाम पे रोटी सेकना चाहते, मलाई खाना चाहते, वो मलाई मैं नहीं खाने दूंगा। भूमि अधिग्रहण को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, भूमि अधिग्रहण को लेकर जिस प्रकार से अधिकारी असमंजस में है, बगैर नीति बनाए इन्होंने टेंडर निकाला है, तो इन गरीबों पर अत्याचार है, और इनके बगैर संज्ञान में लिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, इस पर बिल्कुल हम रोक करेंगे। ये मैंने आज यहाँ के अधिकारियों को निर्देश दिए और अधिकृत रूप से ऑफिशियली कहा है कि आप इसको पहले क्लियर करें उसके बाद इस योजना पर विचार करें। धन्यवाद।